कद्दू, यस यू हर्ड इट राइट, पम्पकिन जिसे बोला जाता है आयुर्वेदा में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स जो आपको मिलेगी मार्केट में। आज हम आपको मोम का तड़का में, जायका का तड़का में यही दिखाने जा रहे हैं कि आप कद्दू को कैसे इंटरेस्टिंग और टेस्टी बनाएं विद अ ट्विस्ट विद दिस लवली मोम एंड फाउंडर ऑफ जायका का तड़का, आचारी कद्दू की रेसिपी है आज उनके शो में, मोम का तड़का शो। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं, कद्दू की सब्जी अच्छी लगती है, सीधी साधी बनाते हैं तो खाते नहीं, कद्दू के नाम से सब चिढ़ते हैं। एग्जैक्टली, तो मोम का तड़का में आज हम आपको तड़केदार अचारी कद्दू की सब्जी दिखाएंगे, ताकि सब आपके घर में बच्चे और बड़े बहुत पसंद करके खाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं मोम रेसिपी। बिफोर वी स्टार्ट द रेसिपी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये मस्टर्ड ऑयल लिया मैंने, अचारी कद्दू की सब्जी जो बनाते हैं ये मस्टर्ड ऑयल में ही जाती है, मतलब उसमें ज्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं वो डाल रही हूँ इसमें। दो कितना लिया है? दो टेबल स्पून इसमें हींग डाल रही हूँ मैं, वन पिंच। कद्दू जरूर खिलाना चाहिए आपको अपने बच्चों को और बड़ों को, विटामिन ए होता है कद्दू में, तो स्किन के लिए, आंखों के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा होता है कद्दू। रामबाण सब्जी मानी जाती है आयुर्वेदा में, तो इसको येलो कलर का फ्रूट और सब्जी दोनों जरूर खानी चाहिए। अभी मैं इसमें दाना मेथी भी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, दाना मेथी जरूरी है कद्दू की सब्जी में। मैं ये हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, अचारी कद्दू है तो इसलिए सारे अचारी जो फ्लेवर है वो इसमें डाल रही हूँ मैं। 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ मैं, 1/2 टीस्पून सौंफ, फेनल सीड्स, जीरा 1/4 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, राई। अब मैं इसमें ये जिंजर डाल रही हूँ, 1/2 इंची जिंजर है बारीक, रेड चिली, ये 2 से 3 ग्रीन चिली लंबी कटी हुई, मैंने ये कद्दू है ये कोई सा भी ले लीजिए, व्हाइट कद्दू थोड़ा लाइट कलर में भी आता है, ये थोड़ा डार्क येलो है, तो जो भी ये ग्रीन छिलके वाला है, तो इसको मैंने वॉश करके और पीसेस कट कर लिए है। पीसेस आप अपने हिसाब से कर लीजिए, छोटे बड़े जैसे भी करें, वो मैं इसको इसमें अब डाल रही हूँ। अब हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तेल में ऐसे ही सॉटे करेंगे। और कौन सी फ्लेम पे? ये मीडियम फ्लेम पर है, तो ताकि इससे क्या है कद्दू का फ्लेवर बहुत ही बढ़ के निकलता है, बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा अपन इसमें तेल में रोस्ट करेंगे इसको, उसके बाद स्पाइसेस डालूंगे मैं, चलाते रहना है जिससे कि जले नहीं है और चारों तरफ अच्छे से तेल की कोटिंग हो जाए और क्रंची भी हो जाएगा थोड़ा, ये तो खाने में अच्छा लगेगा टेस्टी। तो देखिए अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें इसको, इसको ये हो गया है अपना कुक हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे, सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप सॉल्ट। ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसे मॉम्स की किचन्स में जाके। ये गारंटी हमारी है, कद्दू की सब्जी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ऐसी ही बनेगी जैसी दिख रही है आपको। कवर कर देती हूँ ताकि अपना कद्दू जल्दी से कुक हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पर वो बीच में इसको चलाते रहेंगे। कितने मिनट के लिए हमें इसको सेकना है? 5 से 7 मिनट के लिए, और बीच में एक बार चला भी देंगे तो टेस्ट देख लेंगे कितना गल गया अपना कद्दू। तो ध्यान रखिएगा 5 से 7 मिनट और बीच में 2-3 मिनट बाद इसको चला दीजिएगा एक बार। सो अब 2-3 मिनट हो गए हैं, 2 से 3 मिनट ये देखिए हम इसको बीच में चला रहे हैं, एकदम आचारी खुशबू आ रही है इसकी, तो बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पूड़ी के साथ तो ये इतना स्पेशल अच्छा लगता है, ये कद्दू की सब्जी पूड़ी और पराठे के साथ में मजा आ जाता है इसको खाने में, भंडारे वाली कद्दू की सब्जी, वही वाली सब्जी का टेस्ट आएगा। हाँ अच्छा, इसमें आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा आप पानी भी डाल सकते हैं, आपको लग रहा है ये नीचे से लगेगा जल रहा है तो थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए। ऐसे बनाएंगे कद्दू की सब्जी तो सब लोग खाएंगे इसको, शौक से खाएंगे। अब इसमें मैं और कवर कर रही हूँ, अभी अपना कद्दू गला नहीं है। सो ये देखिए अब हमारे 5 से 7 मिनट हो गए हैं,
ये देखिए अब इसको हम कवर हटा रहे हैं। ये सब्जी अपनी एकदम सॉफ्ट हो गई है, गल गई है। देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल। मामा आप हाथ से भी दिखा देंगे एक बार। ये देखिए एकदम गल चुकी है हमारी सब्जी। इसको ज़्यादा गलानी भी नहीं है, बस इतनी रखनी है इसको। अब इसमें हम और स्पाइसेस जो बच गए हमारे वो डालते हैं। ये रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। ये गरम मसाला पाउडर है, ये थोड़ी चटपटी होगी तो ही अच्छी लगेगी कद्दू की सब्जी। ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं एक। इसमें ये खट्टी मीठी बना रहे हैं अपन अचारी कद्दू, ये तो ये जैगरी पाउडर है 1 टेबल स्पून। तो आप जैगरी पाउडर नहीं हो तो आप जैगरी का एक पीस लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए तो वो भी इसमें डलेगा। ये मैं डाल रही हूँ। जैगरी को गुड़ भी कहते हैं हिंदी में, तो आप गुड़ को ग्रेट कर सकते हैं। अच्छा ये मीठा, ये खट्टेपन के लिए इमली का पल्प है, तो ये मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून। अगर इमली का पल्प नहीं हो मैम तो क्या आप मैंगो पाउडर डाल सकते हैं इसकी जगह, अमचूर पाउडर। और जैसे गर्मियों में कच्चा आम आता है तो आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं मैंगो पाउडर इमली की जगह। अच्छा हाँ, और गुड़ नहीं है तो आप शक्कर डाल दीजिए। गुड़ और जैगरी पाउडर दोनों नहीं है तो आप इसमें शक्कर भी चलेगी। मोम आप बता रहे थे बचपन में जब आप बड़े होते थे तो शादियों में पूरी के संग कद्दू की सब्जी मस्त होती थी। ये बहुत फेमस है, यूपी में बहुत चलती है, तो भंडारे वाली सब्जी है। शादी में हमें जाते थे हम लोग बचपन में, तो हम जरूर खाते थे, जरूर खाते थे। तो देखिए बन चुकी है हमारी कद्दू की सब्जी, कितनी अच्छी और शानदार लग रही है। धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं इसमें और अब हम गैस बंद कर देंगे। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग, और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसमें सर्व कर रहे हैं। गर्मा गर्म धुआं उठ रहा है, जो दिखता है वही बनता है। जायका का तड़का में रेडी है अचारी कद्दू की सब्जी विद दिस लवली मॉम हेयर। आई होप आपको ये मॉम का तड़का का शो पसंद आया। जायका का तड़का में मिलते हैं बाद में दोबारा से। बाय बाय एवरीवन।